नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिकट टू फिनाले सुरभि ने जीत लिया है। जी हां, सुरभि फिनाले में पहुंचने वाली पहली प्रतियोगी बन चुकी है। कल इसका अनाउंसमेंट बिग बॉस ने किया और बताया कि कैसे सुरभि ने स्टार्स को जीता है और दीपिका और दीपक को हरा दिया है। सुरभि की जीत की घोषणा के बाद दीपिका रोने लगी। जी हाँ, दीपिका एग्जिट गेट के पास जाकर बैठ गई और वहाँ जाकर रोने लगी। दीपिका को चुप कराने के लिए श्री संत आए और उन्होंने दीपिका को समझाने की कोशिश की। इसके बाद दीपिका ने श्री संत से कहा कि वो हमेशा टास्क हारती रही हैं, वो कभी टास्क नहीं जीत पाई हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आई हुई है, लिहाजा उन्हें हारने का सबसे ज्यादा दुख है। इसके बाद दीपिका की आँखों में आंसू आ जाते हैं और श्री संत उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। श्री संत कहते हैं कि उन्हें रोना नहीं चाहिए। इसके बाद दीपिका और श्री संत साथ में हंसने लगते हैं। तभी वहां रोमिल चौधरी आते हैं और दीपिका और श्री संत से कहते हैं कि हैप्पी क्लब के सभी मेंबर अभी भी घर में बने हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, दीपिका के लिए झटका है। सिर्फ दीपिका नहीं बल्कि दीपक के लिए भी, क्योंकि दोनों ने टास्क को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कुछ मिनटों के अंतर से सुरभि ने उन्हें हरा दिया। यही वजह है कि दीपक और दीपिका ज्यादा दुखी हैं। बहरहाल सुरभि फाइनल में पहुंच चुकी है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि सुरभि ने बतौर वाइल्ड कार्ड घर में एंट्री ली थी। इसके बावजूद वो फिनाले में सभी को पछाड़ते हुए पहुंच गई है और इस टास्क में सुरभि ने अकेले परफॉर्म किया था। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सुरभि की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खैर, देखना ये भी होगा कि इस बार घर से कौन बेघर होता है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते घर में डबल इविक्शन होगा। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।